हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज हमारी क्लास का डे फोर है, मतलब सीजन टू का डे फोर है। और आज हम सीखेंगे कि कोन को सही से पकड़ने का तरीका क्या है, क्या है सही तरीका कोन को पकड़ने का। गाइस, जितना जरूरी होता है एक अच्छी कोन को बनाना, एक अच्छा मेहंदी पेस्ट बनाना, कोन को फिल करना, उतना ही ज़रूरी होता है कि कोन को अच्छे से और सही तरीके से पकड़ा जाए, जिससे कि आपकी जो जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो वो शेकी ना हो, लाइंस जो भी आप क्रिएट कर रहे हो वो एकदम सीधी आए और आपका कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहे कोन पर। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आपको कोन को पकड़ना है अपने हाथ में, जिससे कि आपका कोन के ऊपर अच्छा कंट्रोल रहे। सो गाइज, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो आज की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आपकी बहुत हेल्प होने वाली है आज की वीडियो में। लेकिन गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट आपके साथ करना चाहूँगी। गाइज, पिछले टाइम में आई थिंक एक महीने से ऊपर हो गया मैं वीडियोज़ नहीं बना पाई थी, और आप लोग परेशान हो जाते हो कि दीदी क्या हुआ, आप वीडियोज़ क्यों नहीं बना रहे हो, क्या ऐसा हुआ, आपके मन में नेगेटिविटी आने लगती है कि आखिर क्या हुआ होगा। सो गाइज, उसके लिए मैं आपको कहूंगी कि मेरा एक लाइफ अपडेट चैनल है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि इस बीच में मैं क्या कर रही हूँ, क्या चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। हो सकता है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, या हो सकता है कि कोई फैमिली फंक्शन हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, है ना, इंसान है तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें चलती हैं। तो आपको एटलीस्ट वहाँ पर अपडेट मिलते रहेंगे, आपको पता रहेगा कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ और मैं कंटेंट क्यों नहीं बना पा रही हूँ, तो आप इतने परेशान नहीं होंगे कम से कम आपको, क्योंकि जब पता नहीं होता ना तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नेगेटिविटी आती है। तो इसलिए मैं चैनल का लिंक दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, और उस पर मैं अपनी पूरी लाइफ अपडेट्स देती हूँ कि कब मैं क्या कर रही हूँ, तो या कुछ भी ज़रूरी बात होती है तो वो मैं वहाँ पर बताती हूँ आपके साथ, और वहाँ पर मैं शेयर करती हूँ, तो आपको पता चलता रहेगा कि आखिर क्या चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में चल रही हैं, और आपको मुझे जानने का मौका भी मिलेगा। सो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वहाँ पे आप मुझे अच्छे से जान सकते हैं एंड मेरी लाइफ के बारे में अच्छे से जानेंगे, एंड क्यों कंटेंट नहीं आ रहा वो भी आप जान पाएंगे। सो गाइज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप एक बार चेक कर लीजिए, और वहाँ पर जो मैंने चैनल का लिंक दिया है उस पर आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने वीडियो की तरफ। सो गाइज, ये है हमारा कोन, और पिछले वीडियोस में मैंने आपको कोन बनाना, मेहंदी पेस्ट बनाना और मेहंदी पेस्ट को कोन में फिल कैसे करना है सही तरीके से, जिससे कि एयर बबल्स ना बने, तो वो भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड गाइज, ये सीजन टू चल रहा है, और सीजन वन में मैं ऑलरेडी आई थिंक 37 या 36 क्लासेस ले चुकी हूँ, तो ये सीजन टू मैंने दोबारा से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सीजन वन का कुछ सीक्वेंस ऐसा था कि मैंने कोन बनाना बाद में सिखाया था, क्लासेस पहले स्टार्ट कर दी थी, तो अभी मैंने सोचा कि सीजन टू में मैं और नए तरीके से और थोड़ा सा चेंज करके सिखाऊं, थोड़ा सा और इजी करके सिखाऊं, जिससे कि आपको काफी बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको ना इन वीडियोस से। सो क्योंकि सीजन वन के वीडियोस पे ना मुझे काफी कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमसे ना ये वाली लीफ नहीं बनानी आ रही है, दीदी हमसे ये वाला फ्लावर नहीं बनाना आ रहा, हमने बहुत कोशिश कर ली, हमसे दीदी हमसे ब्राइडल फेस नहीं बनाना आ रहा, तो काफी चीजें आ रही थी। तो मुझे लगा कि यार उन वीडियोस को जो मैंने बनाई थी, जो मैंने क्लासेस आपके साथ शेयर की, उनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहिए, उनको थोड़ा सा और सिंपल बनाना चाहिए। सो इसलिए मैंने ये सीजन टू स्टार्ट किया है, एंड आप सीजन टू से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो क्लास वन से, और आपको काफी हेल्प मिलेगी मेरे वीडियोस से मेहंदी सीखने में, और बहुत डिटेल में, क्योंकि मैं सिखाती हूँ, एक एक बात बताती हूँ, छोटी छोटी बारीकियां बताती हूँ, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। सो डायरेक्ट हम पॉइंट पर आते हैं। सो ये है हमारा कोन, और कोन बनानी जब मैंने सिखाई थी आपको, तो मैंने ट्रांसपेरेंट पॉलीपैक से आपको सिखाई थी, जिससे कि आपको हर एक एज उसका दिखता रहे और आप उसको क्लियरली देख पाएं, इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंट पॉलीपैक से आपको सिखाई थी, बट मैं इसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ, ये गिफ्ट रैप है जिसमें हम लोग यूजुअली गिफ्ट्स वगैरह पैक करते हैं, ये वो है, मैं इसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ, ये कोन काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो मैं अपने लिए जब भी कोन बनाती हूँ तो मैं इसी रैपर की बनाती हूँ, गिफ्ट रैप की। सो अभी हम क्या करेंगे, पिन को रिमूव करेंगे, और पिन रिमूव करने के बाद मेहंदी जो ये निकलती है इसको हम निकाल देंगे, डायरेक्ट हाथ पे अप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम किसी कपड़े पे निकाल देंगे थोड़ा सा,
और इस क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है ना, अभी आप डायरेक्ट हाथ पे अप्लाई करोगे तो वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो मैंने वो जो उसका एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा था उसको मैंने निकाल दिया है। और अभी गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो कोन को ना यहाँ पर पकड़ते हैं ऊपर। मैं अपनी बात करूँ, अपने एक्सपीरियंस मैं अगर आपके साथ शेयर करूँ, तो पहले जब मैंने मेहंदी लगानी शुरू की थी, मैंने मेहंदी लगानी शुरू की थी आई थिंक 2003 और 2004 में, आई मीन प्रोफेशनली प्रोफेशनली मैंने 2004 में स्टार्ट किया था मेहंदी लगाना। आई मीन ब्राइडल्स वगैरह को बाहर जाती थी मैं मेहंदी लगाने। और पर्सनली बात करूँ तो बचपन से मुझे शौक रहा है, तो 2004 से मैंने जब प्रोफेशनली मेहंदी लगाना स्टार्ट किया था ब्राइडल्स को, तो मेरा क्या रहता था, मैं ऊपर पकड़ती थी कोन को, जहाँ पर ये इसका जहाँ पर हम सील करते हैं इसको, मैं यहाँ पर पकड़ती थी। और मैं किस तरीके से पकड़ती थी, अगर आपको भी ऊपर पकड़ कर कंफर्टेबल है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नीचे ही पकड़ के लगाओ या ऊपर ही पकड़ के लगाओ, ऐसा नहीं कहूँगी। आप कंफर्टेबल होना चाहिए, आपका कंट्रोल कहाँ पर ज़्यादा है आपको उस पर ध्यान देना है। तो अगर आप ऊपर पकड़ के कंफर्टेबल हो तो आपको क्या करना है, थंब आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है, जहाँ से हमने इसको सील किया है थंब यहाँ पर रखना है। एंड ये जो टू फिंगर्स होती हैं इसको हमें कोन के ऐसे ऊपर से लेना है, बाकी दोनों जो फिंगर्स होती हैं इनको हमें कोन के नीचे रखना है। एंड इस तरीके से हमें इसको पकड़ना है कोन को, आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा हो, तो इस तरीके से हमें कोन को पकड़ना है एंड हमें ड्रॉ करना है। कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आपका कंट्रोल आपको लगता है कि इस तरीके से ज़्यादा बेटर है, तो आप इस तरीके से कोन को पकड़ सकते हो। एंड अभी मैं आपको सेकंड मेथड बताती हूँ कोन को पकड़ने का, कि अगर आप इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, आप ट्राई करके देखो, अगर आप इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, मैं बताती हूँ, मैंने समथिंग 10 ईयर्स तक मैंने इसी तरीके से पकड़ के ब्राइडल्स को मेहंदी लगाई है। 10 ईयर्स, 10 ईयर्स बहुत होते हैं गाइज। एंड आफ्टर 10 ईयर्स मैंने एक्सपेरिमेंट किया, पता है 10 साल तक मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एंड आफ्टर 10 ईयर्स मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने इसको यहाँ पर नीचे पकड़ा। और जब नीचे पकड़ते हैं ना, तो हमारे हाथ की पोजीशन चेंज होती है। लाइक यहाँ पर मैंने क्या है, टू फिंगर्स को ऊपर रखा था, थंब को यहाँ पर रखा था, बाकी दोनों फिंगर्स को नीचे रखा। जब हम नीचे पकड़ते हैं ना, तो हमारा थोड़ा सा चेंज होता है तरीका। हमें क्या करना होता है कि हम जब नीचे जाते हैं तो हमारी एक फिंगर ऊपर रहती है, और जो ये दूसरी फिंगर जो हम ऊपर रखते थे ना, मिडिल फिंगर, इसको हम करते हैं इसके नीचे, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको नीचे पकड़ते हैं, और थंब हमारा जो ये वाला पोर्शन यहाँ पे रहता था, अब हम मिडिल वाले पोर्शन से इसको कोन को प्रेस करेंगे। एंड अभी आप यहाँ पर लगाना, डिजाइन लगाना स्टार्ट करेंगे हम। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है गाइस, जब मैंने 10 साल के बाद में अपना जब ये चेंज किया, मैंने अपना मेथड मैंने नीचे पकड़ के स्टार्ट किया लगाना, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि नीचे पकड़ के जब आप लगाते हो ना मेहंदी, तो आपका कंट्रोल ज़्यादा बेटर होता है कोन पे, आप ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। आपके जो मेहंदी शेक करती है ना, वो शेकिंग कम हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आप खुद से ट्राई करके देखो। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप नीचे पकड़ के लगाओगे ना, तो एक तो क्या है कि आपके हाथ को सपोर्ट मिलता है, जब आप ऊपर पकड़ते हो ना, हाथ को सपोर्ट दोगे आपकी कोन दूर हो जाती है, जब आप नीचे पकड़ोगे ना तो आपके हाथ को साथ के साथ सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट मिलेगा ना जब आपके हाथ को, तो आपकी कोन कम हिलेगी, हिलेगी नहीं तो आपको आपकी मेहंदी में वो शेकीनेस नहीं आएगा, वो क्लैरिटी आएगी आपकी मेहंदी में। आप कितनी भी बारीक मेहंदी लगाओ, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सो आप ट्राई करो गाइज, एंड मेरा एक 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि आप नीचे पकड़ के करोगे ना, तो शायद आप ज़्यादा कंफर्टेबल होगे ऊपर पकड़ने के बजाय। मैं 10 साल किया, मैं कंफर्टेबल थी, बट जब मैंने नीचे पकड़ना शुरू किया तो बहुत चेंज देखने को मिला मुझे, मेरे काम में मुझे बहुत चेंज देखने को मिला। सो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि फर्स्ट चॉइस तो मैं आपको यही दूंगी कि आप नीचे पकड़ के लगाओ, और इससे क्या है, आपके हाथ में दर्द भी नहीं होगा। ऊपर पकड़ के जब हम लगाते हैं ना, तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो नीचे पकड़ के अगर आप लगाओगे ना, तो हाथ में दर्द भी नहीं होगा एंड कंट्रोल अच्छा रहेगा, और आपकी मेहंदी शेक नहीं करेगी, ठीक है गाइज। इस मेथड को आप ट्राई करो, एंड मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। और अगर गाइज ये आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और गाइज मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अदरवाइज आप ऐसे परेशान होते रहोगे। और
गाइज अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं मेरे, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से मेरे से. सो गाइज मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.